ईश्वर ही है और है कौन। तो चेतना की दौलत असली दौलत है, इसके लिए वॉचमैन होना चाहिए, यानी हमारे अंदर जागृति वो वॉचमैन है कि हम सो न जाएं, जागते रहे, न नरक में न स्वर्ग में, क्योंकि दोनों के पार जाना है। असली अर्थ समझना है, न अर्क, अर्क यानी इसेंस, इसेंस। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है, विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो, सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है, कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है, सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें, हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए, सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए, विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए, सारी नकारात्मकता हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए, सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए, सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें, तंदुरुस्ती चुस्ती प्रेम आनंद मौन संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें, सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं, कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है, सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं, पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें, कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें, अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें।
आइए, सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कहानी बताई जाती है आपको, बच्चों को कहानी सुनाते तो सो जाते, पर आपको कहानी सुनाई जाती है जाग जाने के लिए, कि आप जाग जाओ। कहानी क्या है? टीपू सुल्तान, राजा टीपू सुल्तान का एक मित्र था, तो वो मित्र उनका क्या करता था, वो ध्यान में बैठता था। बाद में वो मित्र उनका सलाहकार बना, तो वो जब ध्यान में बैठता था तो क्या करता था, वो अपनी शेंडी, उस समय में लोग शेंडी रखा करते थे, तो अपनी शेंडी उसको धागा बांधकर पेड़ के साथ बांध देता था, टहनी के साथ, और पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। अब आप जानते हो क्या होगा, क्योंकि लोग ध्यान में जब बैठते तो झपकी आ जाती है, नीचे हो जाते हैं, तो जैसे झपकी आई तो खिंचाव आ गया। सो मत जाना सोना, सोना मिल गया। देखो ये असली सोना है, सच्चा सोना क्या है, ये सच्चा सोना है। लोग बाहर के सोने में अटक जाते, सोते रहते, असली सोना समझो। खुद को जागृत करने का ऐसे अनेकों उदाहरण है इतिहास में, जिन्होंने अपने आप को जगाए रखने के लिए अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल की, रिमाइंडर्स बनाए, लिंक करके रखा, कैसे मुझे याद आए, समय पर मुझे कैसे याद आए, मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि अभी मैं भूलना नहीं चाहता। बहुत बार भूले जीवन में, और सत्य मालूम भी नहीं था, इसलिए कभी फिक्र ही नहीं थी, मगर अभी दौलत मिली है ना चेतना की, तो वॉचमैन में भी रखना चाहिए। भिखारी लोगों को देखा, वो वॉचमैन नहीं रखते कभी, क्यों नहीं रखते, कुछ है ही नहीं, चोरी होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या वॉचमैन रखना। जिनके पास दौलत आती है वे ही वॉचमैन रखते, तो चेतना की दौलत असली दौलत है, इसके लिए वॉचमैन होना चाहिए, यानी हमारे अंदर जागृति वो वॉचमैन है कि हम सो न जाएं, जागते रहे, न नरक में न स्वर्ग में, क्योंकि दोनों के पार जाना है। असली अर्थ समझना है, न अर्क, अर्क यानी इसेंस, इसेंस लोग कल्पना करके बैठे, ऐसा नर्क होता है, उधर गरम गरम तेल में डालते, ये सब धोखे में लोग उलझ गए असली बात न जानने की वजह से। स्वर्ग का अर्थ है क्या? स्व का अर्क, अर्क इसेंस, फूलों का अर्क होता ना, इसेंस बोलते, स्वयं आपका इसेंस क्या है, आपका अर्क क्या है। हजारों फूलों से छोटा सा थोड़ा सा अर्क मिलता है, तो आपकी काया, इतनी बड़ी काया, उसका अर्क क्या है, तेजस्थान पर क्या अर्क है, इसेंस क्या, सुगंध है, उस अर्क को, उसका स्वाद लेना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।